हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फिर निफ्टी के एक्सपायरी का दिन ट्यूसडे वाला दिन था आज। अच्छा, ट्यूसडे का जो दिन होता है ना, वो ट्रेडिंग के अंदर ना बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा उनका मानना है कि उनको ट्यूसडे का दिन सूट नहीं करता। वो कहते हैं यार आज के दिन ना मंगल भारी होता है हमारे पे, बट ऐसा जनरली कुछ होता नहीं है मार्केट में। प्रॉफिट लॉस तो डेली का पार्ट है, मतलब आप मार्केट में ट्रेड करने आए हो तो कभी आपको प्रॉफिट लगेगा तो कभी लॉस भी लगेगा, क्योंकि ये क्या है, जीरो सम गेम है। अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो किसी ना किसी को लॉस लग रहा है, और अगर आपको लॉस लग रहा है तो किसी ना किसी को प्रॉफिट जरूर आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि अगर आपको मंगलवार के दिन प्रॉफिट आया तो किसी ना किसी को लॉस लगा होगा तो वो बोलेगा यार मेरे लिए मंगल भारी है। लेकिन जिस दिन आपको लॉस लगेगा उस दिन उसके लिए प्रॉफिट भी तो है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता। हर डे बराबर ही आता है, आपकी स्किल्स और आपका जो एक्सपीरियंस है वो मार्केट में बोलता है कि किस दिन आपको प्रॉफिट होगा, किस दिन नहीं। जिस दिन आपको लगे कि मार्केट सही नहीं है, मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, उस दिन काम ही मत करो, तो आप लॉस से बच जाओगे, और या फिर लॉस होगा भी तो कम होगा। जैसे आज का दिन था, आज का दिन क्या था, वैसे बहुत हार्ड था, बहुत टफ डे था ऑप्शन बायर के लिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट 9 साढ़े 9 बजे से अगर मैं देखूँ तो 9:30 बजे से लेके मार्केट 2:30 बजे तक एक बहुत ही नैरो रेंज में था। वो नैरो रेंज क्या थी, 390 से लेके 420 निफ्टी की, एग्जैक्टली वही लेवल है जो कल की, अगर वीडियो आप लोगों ने देखोगे, कल की वीडियो हमने डाली थी क्या, कल की वीडियो हम डाल नहीं पाए थे, बिकॉज रीजन क्या था कि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, सिर्फ वॉइस वॉइस थी उसके अंदर, तो इसलिए हमने अपलोड नहीं करी थी। कल की वीडियो में जो मैंने लेवल दिया था 380 से 420, मैंने शॉर्ट करने का लेवल दिया था निफ्टी का, और 460 का मेरा स्टॉप लॉस था। तो स्टॉप लॉस तक तो गया ही नहीं, वो 420 तक मैक्सिमम गया है मेरे ख्याल से। हाँ, 419.75 का हाई है, तो निफ्टी ने 18,419.75 तक का हाई लगा करके वहीं से नीचे 333 333 भी नहीं कहाँ तक आए, 324 तक नीचे आया है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का फॉल दिया है, तो 100 पॉइंट नहीं तो 80 पॉइंट तो पकड़ लो आप, आपको मिलेंगे इंट्राडे के अंदर। और अभी जो है फिलहाल खड़ा है हमारी बाइंग रेंज के पास है, बाइंग रेंज के पास भी नहीं कहेंगे, वहां से थोड़ा सा दूर है, क्योंकि हमारी जो बाइंग रेंज है वो 200 से 250 के आसपास है, अभी 330 के आसपास खड़ा है। और यहाँ से मोस्टली शायद हो सकता है कि आपको ये कल 50 पॉइंट का फॉल देके निफ्टी ओपन दिखे, या अगर रिवर्सल आना होगा तो यहीं से आपको एक गैप अप दिख जाएगा। तो एक बार स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं आज के लेवल्स किस तरीके से वर्क हुए हैं नहीं हुए हैं। स्क्रीन ये वाली है, ओके। तो गाइस ये है निफ्टी का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट है, डेली का चार्ट देखने का मतलब नहीं है, लेवल्स काफी सारे निकल चुके हैं अभी, उनको देखने का मतलब नहीं। यहाँ पे देखते हैं ये सेम जो मैंने अभी आपको ये रेंज दिख रही है, रेंज मैंने कल के चार्ट के ड्रॉ कर रखी है, अनफॉर्चुनेटली वो शो नहीं हो पाई थी तो इसलिए मैंने वो वीडियो डाली नहीं। अभी रेंज मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, वापस से वीडियो डिस्कस करता हूँ पूरी कल वाली जो मैंने डिस्कस की थी। देखो ये जो आपको रेंज दिख रही है ना, डेली के चार्ट में भी आपको ऐसे दिखेगा, ये हम डेली में आ जाते हैं, सेम इस तरीके से आपको दिखेगा। अब डेली में क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे हमारा सबसे स्टार्टिंग का जो लेवल था डिमांड जोन, वो क्या है यहाँ पे 16,800 से लेके 17,245, ये हमारी मेन डिमांड जोन है। उसके थोड़ा सा मैं ऊपर आता हूँ, 17,560 से लेके 17,700 मेरा सेकेंड डिमांड जोन है। मेरा रीसेंट वाला डिमांड जोन क्या है, 18,035 से लेके 18,200, तो ये मेरा मोस्ट रीसेंट डिमांड जोन है। अब मैं एक बार यहाँ पर 15 मिनट कर लेता हूँ, 15 मिनट्स के अंदर ये है मेरा मोस्ट रीसेंट डिमांड जोन, 18,030 से लेके 18,200। तो मार्केट अभी 18,300 समथिंग खड़ा है, तो मार्केट बीच में ही है, क्योंकि मेरा सप्लाई जोन क्या है, मेरा सप्लाई जोन यहाँ पे है 18,400 से लेके 450, ये मेरा सप्लाई जोन है, और मार्केट अभी 300 पे, तो नीचे में 200 पे डिमांड जोन है, ऊपर में 450-450 पे सप्लाई जोन है, मार्केट 300 पे खड़ा है, तो मार्केट मिडल में ही है अभी। अभी अब जो हमारी एक्सपायरी आने वाली है वो मंथली एक्सपायरी है, जो कि बहुत डेंजर एक्सपायरी हो रही है। कुछ भी होता है मंथली एक्सपायरी के दिन, कुछ भी लेवल्स खुल जाते हैं, मार्केट आपको देखेगा कि वाइल्ड मूव्स आते हैं बहुत ज़्यादा, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी, तो इसमें हमें बच के रहना है। फिलहाल कल के लिए स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं क्या है। आज का तो ट्रेड अपना हो गया है, पुट साइड का ट्रेड था, फ्यूचर ट्रेड था, वो तो निकल गया अपना। अभी देखो मार्केट 300 पे आकर के क्लोजिंग दी है, 320-330 यही क्लोजिंग है, ठीक है, मैं इसको 300 मान के चल रहा हूँ, राउंड फिगर में 300 मार्केट खड़ा है, 400 हमारा ऊपर का लेवल है बेचने का, और नीचे 200 हमारा बाय करने का लेवल है, और मार्केट 300 खड़ा है। तो अपने सिंपल से तीन ही लेवल बनते हैं, या तो कल के दिन अगर खुलता है 300-350 तो आप लोग दोनों साइड के स्ट्रैडल स्ट्रैंगल शॉर्ट करके बैठ जाना, और दोनों को मिला करके जो भी कमेंट फ्रेम आएगा वो स्टॉप लॉस डाल देना। वो मेरे हिसाब से मोस्टली इतना ही होना चाहिए, अगर आपकी कल मार्केट 300-350 रहती है तो आपने 300 की पुट बेची, 350 की कॉल बेची, 450 निफ्टी निफ्टी स्पॉट का 450 जाने का स्टॉप लॉस डाल देना। अगर निफ्टी स्पॉट 450 जाता है तो कॉल से एग्जिट कर जाना, अगर निफ्टी स्पॉट 250 मतलब आपका ये 200 के आसपास जाता है तो फिर आप पुट से एग्जिट कर जाना। तो ये
स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वाले ट्रेड्स हो गए नॉर्मल। लेकिन अगर मार्केट खुलता है 400 के अराउंड, 18400 निफ्टी अगर ओपन होता है गैप अप में, तो आपको फिर से एक शॉर्ट बनाना है 460 का ऐसे ले लेना और 50 पॉइंट का ऐसे हो गया और नीचे में 1:1 का टारगेट ले लेना। ठीक है, आज तो ज़्यादा ही देख गया, 1:1.5 समथिंग देखे गया आज। ठीक है, आप कल को, आपको कल क्या करना है, 1:1 का ही टारगेट लेना है, 1:1 का ही ऐसे लेना है। नीचे मुझे 125 पॉइंट का कोई फॉल तो दिख नहीं रहा, गैप डाउन तो मुझे इतना बड़ा कोई दिख नहीं रहा, बट हाँ अगर 250 के अराउंड भी आता है मार्केट, 70-80 पॉइंट भी अगर डाउन खुल जाता है और 250 के अराउंड आता है, तो 250 के अराउंड में एक बार को बाय कर लेना। और एक बहुत छोटा सा एसएल दे रहा हूँ 225 रुपये का, 18,250-260 में बाय करना है, 18,225 का एसएल लेना है, 30-35-40 पॉइंट का एसएल है, 1:1 का टारगेट लगा के छोड़ देना। तो ये दो ट्रेड आपके लिए कल के लिए हैं, अगर निफ्टी आपको यहाँ पर कहीं पर मिलता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। अब ये डिमांड जोन, सप्लाई जोन और नॉर्थ, ये किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये सब बातें आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा, ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाने का फायदा होता नहीं है। तो अभी भी मेरे ख्याल से 7-8 मिनट की वीडियो तो बन चुकी है। एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं जो कल की वीडियो में मैंने बताई थी, बट वो वीडियो डल नहीं पाई थी अनफॉर्चुनेटली। देखो ये सॉरी, ये डिमांड, ये हमारा सप्लाई जोन है, इसको एक बार माफ कर लेते हैं, ये वाला। तो देखो गाइस, ये यहाँ से टॉप मारा, टॉप मार के नीचे गया, यहाँ से रिवर्सल आया, रिवर्सल करके फिर नीचे गया, एंड देन यहाँ पे ना एक आपको दिखेगा डब्ल्यू। देखो यहाँ से हम एक बार इसको ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से आपको W दिखेगा। तो ये जो W है ना, इसकी नेकलाइन थी ये, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। इसकी नेकलाइन है एग्जैक्टली जहां पे मैंने मार्क की हुई, ये जो नेकलाइन है ना, कल के दिन मार्केट इसी नेकलाइन के बीच में फंसा रहा था, आज गैप अप ओपन किया और मार्केट ने अगेन एक रेंज बाउंड करके नीचे अल्टीमेटली नीचे ले आया। कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट इसी नेकलाइन के पास फंसा रहेगा। अगर इस नेकलाइन से नीचे, यानी कि यहाँ पे कहीं पे ब्रेकडाउन होता है या फिर यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट निकलेगा, तो अपने को बाय या सेल करना है। बाकी दो लेवल तो मैंने दे ही दिए आपको, बाय और सेल के दो लेवल आपको मिल चुके हैं, उन पे तो ट्रेड लेना ही लेना है। इसके अलावा अगर इस नेकलाइन के पास कहीं मार्केट फंसा रहा तो बेस्ट होगा आपके लिए अगर आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल शॉर्ट करके काम करोगे कल के दिन में, ठीक है। बट कल ध्यान रखना है अपने को कि कल का दिन वेडनेसडे का दिन है और परसों हमारी एक्सपायरी है, ठीक है। वैसे तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, और ज़्यादा क्वांटिटी अपने को स्ट्रैडल स्ट्रैंगल में मारनी नहीं है, ठीक है, कम क्वांटिटी विद प्रॉपर स्टॉप लॉस अपने को काम करना है। तो चलो गाइस, देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है, कैसी ट्रेडिंग होती है, कल डिस्कस करेंगे। और बाकी लेवल मैंने दे दिए हैं, इन लेवल्स पे ट्रेड जरूर लिया करो, लेवल्स काम करते हैं, 10 में से 8 लेवल हमेशा सही जाते हैं, ट्रेड जरूर लेने आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय, टेक केयर।